आज पहले पूरे कंटोनमेंट क्षेत्र जो हमारे हैं, खजराना क्षेत्र जो प्रमुख तीन क्लस्टर्स है, खजराना, रानीपुरा वाला क्षेत्र, नयापुरा वाला, फिर टाटपट्टी बाखल, फिर चंदनगर क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र दौरा किया, पूरी व्यवस्थाएं देखी हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कि नहीं है, और यही मेनली चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कि नहीं है, सब जगह उनको स्ट्रिक्ट रखा गया। दूसरा ये भी पूछा कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, कि किराने की जो व्यवस्था चल रही है हमारी, जो हम गरीबों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो भी पूछा कि सबको खाना ना मिल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद फिर चोथरा मंडी छोटी, क्योंकि 29 तारीख से टोटल बंद कर दी गई थी, वो भी देखा उन्होंने कि चोथरा मंडी पूरी बंद है, वहाँ जाके भी पूरा परीक्षण किया। और उसके बाद फिर छावनी मंडी गए थे, छावनी मंडी में जिन व्यापारियों का अनाज बाहर रखा है क्योंकि पानी गिरा था, तो हमने 5-5 करके अनुमतियाँ दी हैं वहाँ पर, तो वो भी हम दिखाने ले गए थे उनको कि जो सिस्टमेटिक तरीके से 5-5 व्यापारी अपने 5 लेबर को लगा के सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अपना अनाज सुरक्षित कर रहे हैं, गोडाउन में रख कर रहे थे, वो पूरा देखा, चर्चा की, व्यापारी जो भी 5 व्यापारी थे जो कार्य कर रहे थे। फिर एक बैंक का विजिट की थी पलासिया पे, स्टेट बैंक की, कि स्टेट बैंक का जो हमने परमिशन दी है कि 50% ज़्यादा वो स्ट्रेंथ नहीं रहेंगे, उनकी वर्किंग पूरी चेक की। और फिर जो नगर निगम के माध्यम से जो एक वृहत अनाज वितरण की व्यवस्था चली बनी हुई है, जो हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि गणकों के माध्यम से या उनके उनके दलों के द्वारा ये पूरा की जा रही है, उसमें जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं पूरा, तो वहाँ पूरा देखा कैसे काम कर रहे हैं लोग, क्या क्या आइटम्स दे रहे हैं हम लोग, किस प्रकार से आइटम्स हम लोग समाजसेवी संस्थाओं से और शहर के जो हमारे जागरूक नागरिक हैं जो मदद कर रहे हैं वहाँ पर, गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है, दाल आ रही है, तेल आ रहा है, शक्कर, नमक, सब चीज़ें मिल रही हैं जनता के माध्यम से ही, जो पूरा देख काफ़ी अच्छा लगा उनको देख करके वो।